तो गाइस आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमें गाना बना रहे थे एक आर्टिस्ट के साथ, उसमें हमें ड्रम्स चाहिए थे गाने के और दूसरे गाने के। तो हमें ड्रम्स काफी अच्छे लग रहे थे, हमने सोचा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं इस ड्रम्स को। बट हुआ क्या, उसमें वोकल्स थी, उसमें बेस थी, हर एक चीज थी, और हम ड्रम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे उसमें से। तो हमने देखा कि FL ने अभी तगड़ा अपडेट निकाला है जिससे आप ये सारी चीजें बहुत ईजिली कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट करना कोई भी सैंपल को। तो जल्दी से देखते हैं चीज कैसे होती है। तो गाइस एक बार ये लूप को सुन के देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो इस पार्ट के अंदर बेस भी आ रही है और ड्रम्स भी आ रहे हैं। तो सेम चीज उस दिन भी हुई थी हमारे साथ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए FL ने क्या करा है, राइट क्लिक करो और आप देख सकते हैं लिखा है एक्सट्रैक्ट स्टेम फ्रॉम सैंपल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और अब ये आपको सबसे पहले बोलेगा इस चीज को डाउनलोड करने के लिए, जो कि एक इसकी प्लगइन है। तो उसको जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब काफी सही है, मतलब अगर ये चीज डॉ में ही आ जाती है तो क्रेजी है। तो गाइस हमने एक्सटेंशन या प्लगइन डाल ली है और अब फिर से राइट क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल। अब जैसे आप देख सकते हो हमारे केस में सिर्फ ड्रम है और बेस है, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बंद कर देते हैं, वोकल्स बंद कर देते हैं और ड्रम्स और बेस रखते हैं और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी दिख भी रहा है वेवफॉर्म में, ड्रम्स आ चुके हैं ऊपर और नीचे आ चुके हैं बेस। तो एक बार सबसे पहले बेस सुनते हैं। तो हल्का फुल्का उसमें एक वार्पिंग वैसी साउंड आ रही है बट सही लग रहा है। और एक बार ड्रम्स देखते हैं। ड्रम्स तो बहुत क्लियर है, हल्का सा खंग खंग नहीं सुनाई दे रहा तेरे को? मतलब सुनाई दे रहा है बट जिस हिसाब से वो काम कर रहा है भाई, पॉसिबल ही नहीं था आज से 2-3 साल पहले। तो गाइस आप देख सकते हो उसने सेपरेट कर दिया, थोड़ा बहुत अभी इसे प्रॉब्लम है और अभी ये बीटा वर्जन में है। तो जब इसका प्रॉपर वर्जन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी होंगी। अभी ऑलरेडी काफी तगड़ी चीज है ये। बट अगर मेरे को किसी ट्रैक में से सब कुछ निकालना है, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स भी निकालना है, ड्रम्स भी निकालना है, बेस भी निकालना है, वोकल भी निकालना है, तो कैसे होगा? तो भाई उसके लिए हमारे पास है अपना दूसरा एग्जांपल। और ये एग्जांपल के लिए सबसे आपको बताते हैं बैक स्टोरी। तो हमने कुछ टाइम पहले रिमोरा व्लॉग्स है, उनका काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है, हमने उनका कोलैब करा था उनके गाने पे। तो अब वो गाना सुनते हैं पहले हल्का सा। तो गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर ड्रम्स भी हैं, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चल रहे हैं, वोकल्स भी चल रही है। तो अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल और हर चीज ऑन कर देते हैं इस टाइम और एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। तो गाइस जब तक ये लोडिंग हो रही है तो वेबसाइट के बारे में बता रहा था। कौन सी वाली? अच्छा ये वाली। तो यार ये वाली वेबसाइट का नाम है basereela.in। इस पे अगर आप जाओगे तो ऐसे हैक्स भी मिल जाएंगे, आपको हमारी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी और आपको एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स मिलेगा जिसके अंदर आप सारी चीजें सीख सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन की, म्यूजिक थ्योरी की, अरेंजमेंट के बारे में, साउंड डिजाइन के बारे में, मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में। हम सब कुछ कवर करते हैं 4 महीने में। तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो जल्दी से वेबसाइट पे जाओ, चेक कर लो। तो गाइस आ चुका है हमारे पास स्टेम्स, वो भी 4 अलग अलग पार्ट में, इंस्ट्रूमेंट में, वोकल्स में, बेस में और ड्रम्स में। तो एक बार ही सुनते हैं सबसे पहले ड्रम्स को। नाइस, इसने रीज बेस प्रॉपर निकाल दिया। गाइस काफी क्रेजी चीज है ये। और अब सुनते हैं एक बारी इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत बार होता है मैं गानों के लिए वोकल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले दूसरी वेबसाइट्स पे जाना पड़ता था, अगर आप रिमिक्स बना रहे हो कुछ भी ऐसा कर रहे हो। अब ये चीज हम कर सकते हैं जस्ट विद 1 क्लिक इन FL स्टूडियो के अंदर। तो क्या तगड़ी चीज है। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ रही है। तो गाइस बहुत ही तगड़ा अपडेट निकाला है FL स्टूडियो ने और बहुत सारे और भी एक्साइटिंग FL स्टूडियो के आने वाले हैं बहुत सारे अपडेट। तो अगर आप चाहते हो ये वाले अपडेट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और अगर Ableton में करना हो तो बाय बाय।